दिस इज योर शुभम जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवलर शुभम। आज है 31 मार्च। कल हमने कुछ काम किया, गरीबों को खाना खिलाया। कल 30 मार्च था। कल के दिन हमने लगभग 300 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना के खिलाया, सबको बांटा गया खाना। जितने लोग गरीब थे, जो भूखे थे, उनको खाना नहीं मिला था। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें अभी तक, तो मैं यहां आपको आई कार्ड में वो लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप वहां जाके देख लीजिएगा। और आज का भी हमारा प्रोग्राम है गरीबों को खाना खिलाने का। आज बना है ये टहरी, जैसे कि आप उसे मसाले वाला खिचड़ी या वेज बिरयानी भी बोल सकते हैं, सोयाबीन और आलू वगैरह डाल के बनता है। तो वो बना है 50 किलो चावल का, चार भगोनों में बन रहा है। तीन भगोना बन चुका है, एक भगोना अभी बन रहा है, तो अभी सब बन जाएगा तो पैकिंग का काम हम लोग नीचे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ सब कि कितना बना है और पैकिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पैकिंग का काम चालू हो गया है। ये डाडू भाई चाट वाले, विष्णु, विक्की, विकास, सब लोग मिलके पैक करे। अभी मैं भी पैक करूंगा, अभी और भी लोग आ रहे पैकिंग के लिए। ये बना है, अब इसको आप खिचड़ी बोलिए या टहरी बोलिए, आपकी मर्जी। ऐसे ऐसे चार भगोने बने हैं ना, ऐसे ऐसे पूरा भर के चार भगोना है। और ये लगभग 2000 डिब्बे हैं, 2000 और रखे हैं, 2000 डिब्बे हैं, अभी और भी है अंदर। तो टोटल ये पैकिंग करना है, आज ये खाना बांटना है सब गरीबों को। और डाडू चाह कुछ बोलना चाहेंगे? गरीबों की सेवा नारायण सेवा, गरीबों की सेवा नारायण सेवा। काका जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा है कि आप लोग गरीबों की सेवा जितना कर सके, धन से नहीं कर सकते तो आप तन से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रमदान कर सकते हैं आप, कहीं भी जाइए आप कर सकते हैं कोई काम, क्योंकि हम लोग श्रमदान भी कर रहे हैं। गरम है क्या? गरम मर दे पूरा, गरम होगी अंदर बारी, इधर हो जाती है, वहाँ जाता है ना। चलो लाओ निकाले, पलटो पलटो, ये दूसरा भगोना आ गया। सटाओ सटाओ इसको, इसको सटाओ, निकालो, अरे आप पलटिए ना, पलटो ये वाला भी सूखा ना, इससे भी जल्दी जल्दी पैक हो ये वाला पूरा गर्म। हाँ पूरा भर दो इसी में। बस और डालो, और डालो एक तलछुल और डालो, थोड़ा ठंडा भी होगा ना। बस रहन दो, अब उसको ढक्कन लगा दो, इसको ढक्कन लगा दो। पानी का बोरी पानी और ऊपर ढूंढ रखे, तो इससे बढ़िया रखो, कोई बड़ा कोई पानी यार का वाले खा दे रहा है, पानी का बताओ तो पानी कहां मिले, और का बोल नहीं चाहिए ना, हो भी रहा अच्छा वाले खा दे, तो जितने ऐसे वाटर पानी का बंद कर रहा है लड़का, ये बड़ा लड़का कौन भले, ये बेटा घंटू, ये छोटा बेटा वो बहुत मेहनत कर रहा है। घंटू बेटा ना ऊपर मत, छटकी है सुन, टाली जा रहा है बटने के लिए, अभी ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी टालियां निकलेंगी, चार पांच तो निकलेंगी। रस्सी उठा लो, तो अभी हमारा सारा पैकिंग का काम खत्म हो चुका है। अब सब लोग रेडी हो रहे हैं, हाथ में ग्लव्स और सैनिटाइज वगैरह करके देखिए, सब लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग निकला जा रहा है बांटने के लिए, अब खाना बांटने का काम शुरू होता है। बोलो परमहंस बाबा की जय। चुके हैं, एक बैग में लगभग 30 डिब्बे आए हैं, 30-30-60, और इसमें भी लगभग आ जाएंगे 20 डिब्बे, मतलब 80-100 डिब्बे आसपास ही हो जाएंगे। बाकी अभी इधर और पैकिंग का काम चल रहा है, थोड़ा पैक करते हैं फिर निकलते हैं। निकल चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आराम से ये सब लोग बाइक से साथ में चल रहे हैं। अब मिलते हैं आप लोग से आगे लोकेशन पे। तो अभी हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं, कल का वीडियो मैंने शूट किया था, तो उसको देख के लग रहा है कुछ और लोग भी आए हैं यहाँ पे बांटने के लिए।
हमसे पहले भी आगे कुछ लोग हैं जो बांट रहे हैं, तो देखते हैं अगर यहाँ सबको हो गया होगा तो हम लोग इधर फिर नहीं देंगे, फिर किसी दूसरे लोकेशन पे चलते हैं वहां देते हैं अगर यहाँ सबको बढ़ गया होगा तो। ये यहाँ पे बट रही है पूरी, पहले से प्रशासन बांट रही है से भैया। सबको लाइन से वहां बैठा दीजिए, पहले सबका दूरी बनाइए, यहाँ दूर दूर खड़ा करिए सबको, एक एक मीटर दूरी बनाइए, एक एक मीटर पहले। हाँ सब बढ़िया। अच्छा आप लोग पहले से वो प्रशासन बांट रही है क्या? कह लिए एक लाइन से सब रहा, एक लाइन से सब लोग दूर दूर रहो। हाँ हाँ ऐसे ही दूर दूर रहो, दूर दूर थोड़ा रहो। कल का खाना बढ़िया था? ठीक था खाने में? अच्छा था ना सर? अब जो आया उसको मिला, अब आप लोग नहीं आए होंगी तो फिर क्या। एक एक बांटते चलो आराम से सबको। किशन हाँ बस रखते हुए आराम से। आज खिचड़ी है, खिचड़ी मसाले वाली खिचड़ी। किशन हाथ में मत दो बाबू। हाँ रखते हुए आराम से। हाँ मसालेदार खिचड़ी आराम से खाओ। डबल डबल मत लेना। हाँ किसी को डबल हम लोग देंगे ही नहीं, किसी को डबल नहीं देंगे। हाँ हाँ मिल रहा है सबको, मिल रहा है। निकलो निकलो जो पागे निकलो पहले। जाओ बाबू जाओ, हो गया मिल गया जिसको मिल गया, जाओ डबल मत करो। दोनों झलवा आ गया ना रवि, दोनों आ गया ना। लाओ 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 पूरा लाओ। ये बड़ा वाला है क्या? ले चलो ना दे दो, बड़े लोग तो है दे दो। हाँ पूरी सब्जी थी, कल ही आए थे हम लोग ना, दे दो इनको भी दे दो। आज भर पेट है पूरा, खिचड़ी आप खोलिए पूरा भरा हुआ है, एक लोग के लिए पर्याप्त है। मसाले वाली खिचड़ी है, पूरा पर्याप्त है, देखिए पूरा बड़ा है। मिल गया मिल गया सबको, मिल गया। चलो किसान किसान बस 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 करो बस करो। किसान वाला काम अपना हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे सुन्नीपुर में। यहाँ पे कुछ लोग पहले से भी थे यहाँ आसपास के, कल का हमने वीडियो बनाया तो लोग देख के आए, बांटे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सब लोग सपोर्ट करे तो काफी अच्छा है, कोई भूखा नहीं रहेगा। अब हम लोग जा रहे हैं सुन्नीपुर, स्टेशन का काम हो गया, अब चला जा रहा है। एक बॉक्स हमने पूरा वो बॉक्स बड़ा वाला बांट गया स्टेशन पे, अब एक बैग ये और एक बैग ये, दो बैग बचा है, इसको सुन्नीपुर गांव में उधर बांटा जाएगा। सीधा ही सीन चलो। हाँ ये आ गए हम लोग कल वाली लोकेशन पे, जो डेरे डाल के कुछ लोग रहते थे उनके लिए, बिकॉज वो लोग को कुछ नहीं मिला, काफी अंदर हैं वो लोग। यहाँ पे लोग बहुत कम ही पहुंचते हैं। आ जाओ आ जाओ, आराम से उधर ही आराम से। बैठ जाओ पहले, बैठ जाओ सबकी, बैठो 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 सब लोग आराम से बैठो। हाँ उधर ही बैठना चाहे उधर ही बैठ जाओ, छाया में बैठ जाओ। सबको बुला दो, सबको जितने लोग हैं
नहाने गए हैं। हाँ तो ठीक है, उनका भी दे देंगे, उनका भी हम दे देंगे। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हैं? अकबरपुर से आए हैं। तो यहाँ पे क्यों आ गए, मतलब यहाँ क्यों रुके हैं? खेल मदारी दिखाने वाले। अच्छा खेल मदारी दिखाने वाले। तो किसी का मतलब किसी को खांसी बुखार वगैरह कोई तबियत किसी का नहीं खराब है ना? ठीक, अगर किसी को कुछ लक्षण दिखे तो सीधा ये आप अपना सरकारी अस्पताल पे जाइएगा। ठीक है? ठीक, जिला अस्पताल नहीं, पहले तो यहाँ जाएंगे ना, पहले फूलपुर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से। हाँ उसके बाद फिर होगा। देखो किसान आराम से बैठिए, आराम से मिल जाएगा सबको, उसका भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। मेरा माँ बाप का दे दीजिए, वो जो नहीं था। हाँ दो दे दे रहे हैं, और दे दे रहे हैं, दो दे दो उनको, दो और एक्स्ट्रा दे दो। अभी देखो का दे दो। हाँ दे रहे हैं, उसका भी दे रहे हैं, और आ रहा है, आ रहा है। सोनू कहाँ है भैया? सोनू, वही सोनू को बता रहे। अच्छा सोनू को बता रहे हो, सोनू जानते हो तुम? सोनू आ गया, देखो भैया एक और दे दो। हाँ ले लो, चलो ले ला, चला एक ठेऊ ले ला। हो गए ने सबके, सबके हो गए ने? हाँ माता पिताजी नहीं है, गए हैं। अरे भैया दिए तो उनको, उनको तो अलग दिए ना। हमारे माता पिताजी, भैया देखो कोई डबल मत करना क्योंकि सबको बांटना है। ठीक है ले लो, लेकिन डबल मत करना। ठीक 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 ठीक, बस हो गए ना सबके, सब ठीक। चलो कल के खाना ठीक रहे? चला बढ़िया, आवाजो बढ़िया हो, खा आराम से। इधर ये डेरा पे भी बांट के हमारा हो गया है, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ गांव में बांटने, सुन्नीपुर गांव में, वहाँ जहाँ कल बांटा गया था। अच्छा ये बताइए आपके गांव में किसी को कोई मतलब खांसी बुखार वगैरह कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा सरकारी अस्पताल में जाइए। ठीक है, और पूरा ध्यान रखिए आप लोग। ठीक सर, अब बाकी कोई दिक्कत खाने पीने का? ठीक, कोई दिक्कत जो हो गया पीछे चल जाइए। हाँ बांटिए तो जगह खाली करते रहिए, और भी लोग आते रहे। पूरा गांव आ गया, बच्चे ज्यादा हैं इस गांव में, बच्चे चल बड़ों को। ये हमारी टीम, सोनू, गोलू, किसान, रवि, मोनू। यहीं से दे दो इतना सही था। किसी को लेना है? बाटो बाटो, आइए आगे, आइए आगे, जैसे चाहिए। जल्दी जल्दी आवा ले जा, और का दांत दिखा। अरे सोनू भाई मास्क लगाओ, पहले मास्क लगाओ। चाची दो उधर, देखो आ रही, उनको दो, उनको दो। एक मिनट ब्लॉक लेने का है ये। इक्के हो पोता हो? अलग रहेला, ले ला चला, पोतो खिया दिया अपने, ले ला। और एक बचा लो, सबके हो गए ना?
चला बंद करा, इधर के दो यार, इनको दो। हाँ से भी बांट के हो गया, हम लोग का सारा बॉक्स हो गया खत्म, अब हम लोग चलते हैं घर पे। तो अभी आ गए हम लोग घर पे, आज का सारा काम हो गया है फिनिश। काफी थक गया हूँ यार सुबह से करते करते, सुबह 7 बजे से लगे लगे शाम के 4 बज गए। सब बर्तन वर्तन साफ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। देख तो बस आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग से जो भी बने आप लोग भी करिए, सपोर्ट करिए। कुछ दिनों की बात है, सबसे ज्यादा जरूरी है रेलवे स्टेशन के साइड और ये सुदीपुर के गांव के सामने जो डेरा बना के लोग रह रहे हैं उनके, जहां आज मैं गया था, इन लोग को बांटना जरूरी है क्योंकि इन लोग पास कोई साधन और नहीं है कहीं से कि ये लोग खा सके, कहीं से जुटा सके। तो जो लोग अनाज भी बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं जो लोग, वो लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके उन लोगों को राशन भी दीजिए ताकि वो लोग अपना बना के खाएं। और जो खाना बांट रहे तो वो लोग हम लोग तो दे ही रहे हैं, बाकी और भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके उनको सपोर्ट करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए सबके साथ, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।